इस वीडियो में हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। अगर तुम लोगों को हार्डकोर पता नहीं होगा तो सिंपली ये माइनक्राफ्ट का हार्ड वर्जन है, जिसके अंदर स्पेशल चीज ये है कि अगर हम लोग बाय चांस गलती से मर गए तो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने इतनी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, इतनी ज्यादा चीजें बनाई है, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम लोग रिस्पॉन नहीं कर सकते इस गेम के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे देखा था लूक के चैनल के ऊपर। माइनक्राफ्ट का एक दिन मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट होते हैं रियल लाइफ के, तो ऑलमोस्ट मैंने 24-26 आवर्स कुछ तो रिकॉर्डिंग किया है। सो होपफुली तुम लोग एंजॉय करोगे इस सारी की सारी एडवेंचर को। अगर तुम लोग नए हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, दैट विल बी ऑसम। और अगर तुम लोग को कंटेंट पसंद नहीं आया तो कभी भी तुम लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो, दैट विल बी सुपर कूल मैन। फाइनली मेरा पहला हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, और मैं पहले ही देखता हूँ I promise Jatayu, मैं तुझे कभी ना कभी टेम जरूर करूंगा। पहले दिन मुक्का मार मार के पेड़ों को लोड़ा। ओ क्यूट लिटिल शिपी डॉय, और एक शिपी डॉय, और दो शिपी डॉय डॉय। छोटा सा घर और उसमें छोटा सा बेड के साथ मैं आखिरकार पहले दिन सो गया। अगले दिन सुबह घर में ही सुरंग बना के मैं नीचे चला गया और वहाँ पे ज़ॉम्बी मिला मुझे, डाई। उसके बाद और एक ज़ॉम्बी आया, डाई। मेरी हिम्मत पूरी तरह से आसमान छू रही थी पर ओ मैं सुन नहीं सकता यहाँ पे। आर यू सीरियस क्रीपर दादा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैन। पर नहीं, हिम्मत करके मैंने उसके साथ फाइट किए और फाइनली जीत मेरी हुई ऑब्वियसली। नेक्स्ट दिन थोड़ी माइनिंग की, एक क्रीपर मारा और एक उसका चाचा मार दिया। नेक्स्ट दिन बहुत सारा वुड जमा किया और थोड़ी सी खेती बाड़ी कर ली और जटायु को फाइनली किडनैप कर दिया। अगले दिन कॉबलस्टोन से जितनी वॉल बना सकता हूँ उतनी वॉल बना दी ताकि क्रीपर्स बार बार मुझे छेड़ने के लिए ना आ जाए। बहुत सारा रोमांटिक हो रहा है वो मेरे साथ। छठे दिन तुम लोगों के भाई ने फाइनली आर्मर बना लिया, पोला दिए जियो इजी। अगले दिन एक स्केलेटन को मारने की कोशिश की और पिगीज को जलाने की भी कोशिश की पर वो जली नहीं, बहुत गंदी साजिश थी ये। नेक्स्ट दिन फाइनली अपनी खेती को थोड़ा सा अपग्रेड किया क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाना है मुझे यार। ओ पाजी, पार्टी शार्टी मनाओ रे बाबा, फाइनली डायमंड मिला रे बाबा। ओ बल्ले बल्ले, ओ चापा चापा, बल्ले बल्ले। अगले दिन यहाँ वहाँ मटाई गस्ती और एक्सप्लोरेशन के साथ मुझे मिला फाइनली मेरा फर्स्ट एवर डॉगी इस वर्ल्ड के अंदर। एक्चुअली नहीं, मेरे अगले वर्ल्ड के अंदर भी मेरे पास डॉगी नहीं था पर पूरा दिन उसको टेम करने में लगा दिया। मैं एक्चुअली मेरी फ्रेंड को यही डॉगी दिखा रहा था और इसको डोगो डोगो बोल रहा था, तो उसने भी डिसाइड किया और मैंने भी डिसाइड किया कि इसका नाम होगा आपसे डोगो, हमारा क्यूट लिटिल डॉग। आह, दिस इज क्यूटेस्ट डॉग एवर। देखा बेटा वॉल बनाने का फायदा, अब आके दिखा, कूद भाई कूद कूद और फट। थोड़ा सा घर को डेकोरेशन किया। नेक्स्ट दिन रेडर्स हाजिर, यहाँ वहाँ सब जगह से एरोज मारना चालू। तो काम है आमे आ। 14वें दिन ऑलमोस्ट 80% घर मेरा कंप्लीट हो चुका है पर छत बाकी है। 15वें दिन जितना एक्सप्लोरेशन में कर सकता हूँ उतना में किया और फॉर्चुनेटली मुझे 16वें दिन नया विलेज मिला सैंड के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा यूजलेस है, वहाँ के विलेजेस बहुत ज्यादा निठल्ले और नालायक है। हट पे, सोने दे मुझे। विलेज के एग्जैक्टली नीचे मुझे गुफा मिला और उसके अंदर कमीना क्रीपर मुझे मरवाने के लिए ऑलवेज हाजिर होता है वो। और एक डेजर्ट टेंपल मिला जिसके अंदर थोड़े बहुत चीजें मिली मुझे। डेजर्ट टेंपल के चोरी के बाद किसी के हाथ टूटे किसी की टांगे टूटी पर जितनी मैं कर सकता हूँ उतनी सारी मस्ती की है। 18वें दिन पहली बार मुझे गोल्ड मिला, सीरियसली गोल्ड। अगले दिन अचानक से ये कमीना कहाँ से आया मुझे नो आइडिया पर आके फट गया। मुझे कंपैरेटर चाहिए और उसके लिए मुझे नेदर के अंदर जाके क्रिस्टल फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो दिस इज टाइम फॉर नेदर बॉय। तो फिर से माइनिंग के लिए गया, ऑब्सिडियन जितने में ढूंढ सकता हूँ उतने मैंने ऑब्सिडियन ढूंढे और 25th डे को फाइनली मैं नेदर के अंदर चला गया। बैड पिगी, बैड पिगी, डाई पिगी, पिगी डाई। ये किसका बच्चा छूट रहा है यहाँ पे? भागो, गंदा स्पम, गंदा स्पम। फाइनली, फाइनली माय क्रिस्टल। फाइनली 2 दिन के बाद 28वें दिन मेरे चिकन फार्म कंप्लीट कर दिया, जो बहुत स्लो है पर इट्स ओके। और ये कमीना स्केलेटन
अगले दो दिन मैं कंटिन्यूअसली अपनी वॉल को जितना मजबूत कर सकता हूँ उतना मजबूत और टिकाऊ करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वुड चॉप 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 बेबी चॉप पूरा जंगल काट डलेगा मैं। फाइनली 32वें दिन मेरा जियो हाउस कंप्लीट हो गया। ओ साला रेडर, रेडर से बचने के लिए अगले दिन मैं चुपचाप माइनिंग करने के लिए गया। A35 को माइनिंग करते करते मुझे ग्रेट कैनियन मिला जिसके अंदर बहुत सारे स्केलेटन थे, तो उनकी माँ बहन मानी मुझे। Day 35 माइनिंग, Day 36 गोल्ड माइनिंग, Day 36 गोल्ड ज़ॉम्बी डाय, यू डाय बॉय, यस चूमले मुझे चूमले। फाइनली उसी दिन मुझे डायमंड्स मिले, फाइनली भाई करोड़पति अपुन करोड़पति। ओ ये देखो छमिया आईरा एक दूसरे का साथ फाइट, मारो मारो एक दूसरे को, मारो मारो ए ढोड़ल। Day 41 को मैंने डिसाइड किया कि फिश फार्म बनाते हैं, जो कि सबसे बैड डिसीजन है इस पूरे वीडियो में से, बिकॉज वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। आखिरकार जटायु के साथ एक्सप्लोरेशन, जटायु के साथ फाइनली मैं सैंड विलेज में पहुंचा, पर उन लोगों के पास बिल्कुल काम धंधा और जॉब नहीं है, दे आर यूजलेस विलेजर्स, हटी रहे से मुझे सुनने दे। नेक्स्ट दिन मुझे और एक सैंड टेंपल मिला जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है, पर उसके अंदर कमीना कुत्ता क्रीपर, लुक एट दिस, कैसे कैसे हरकत है उसकी, क्रीपी क्रीपी हरकतें, मतलब मैं आऊ और मेरे ऊपर वो फटे पूरी तरह से। दैट डे वाज लकी क्योंकि मुझे और एक विलेज मिला। तब मैं रियलाइज किया कि मुझे ट्रेडिंग अगर करना है तो मुझे बहुत ज्यादा शुगर केन चाहिए, क्योंकि ये पेपर्स बहुत लेते हैं, पता नहीं क्यों कहाँ पे पढ़ के कितने बैरिस्टर बनने वाले हैं, पर इनको बहुत ज्यादा पेपर चाहिए। नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चल ना ट्रेजर हंटिंग करते हैं, तो ट्रेजर हंटिंग करने के लिए मैं समुंदर में गया और फाइनली डॉल्फिन्स को रिश्वत खिलाई, जितनी खिला सकता हूँ उतनी, और उन्होंने मुझे एक्चुअली अच्छा खासा गोल्ड दिलवाया और गोल्डन आर्मर। रात भर थोड़ी सी फिशिंग भी कर ली मैंने, और नेक्स्ट दिन मुझे और एक नया ट्रेजर मिला जिसके अंदर मुझे ट्रेजर मैप मिला है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पर ऐसे ही हुआ। नेक्स्ट दिन तो पूरी रात मैं ट्रैवल ही कर रहा था अपने घर तक पहुंचने के लिए। फाइनली 50वां दिन नेदर के अंदर गया और डम गोल्ड हेलमेट भूल गया, ये मार दे, उससे पहले मैं नेदर के बाहर आ गया। थोड़ा सा मैंने दिमाग चलाया कि मैं नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ नेक्स्ट विलेज तक पहुंचने के लिए, तो सिंपली अगर मैं हाईवे बनाऊ नेदर के अंदर तो दैट विल बी सुपर ऑसम। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑब्सीडियंस जमा किए जितने मैं जमा कर सकता हूँ ताकि मैं पोर्टल बना पाऊ। उसके बाद मैंने कॉबल स्टोन से हाईवे बनाना चालू कर दिया नेदर के अंदर। अगले दिन तक मेरा फर्स्ट हाईवे बन चुका था जो मुझे सैंड विलेज तक लेके जाएगा फटाफट। तो सैंड विलेज वाले विलेजर्स को सबसे पहले जॉब्स दिए, उनको लाइब्रेरियंस बनाया, होपफुली अभी पढ़ के पता नहीं क्या बनेंगे वो, पर होपफुली मुझे ज्यादा से ज्यादा एन्चेंटमेंट्स दे वो। अगले दो दिन जितनी भी कॉबल स्टोन से मैं वॉल बना सकता हूँ उतनी मैंने वॉल बनाई। इवन मैंने नदी के ऊपर भी वॉल बना दी, बिकॉज जब से मैंने वॉल बनाई है मैं बहुत ज्यादा सुरक्षित फील कर रहा हूँ, और वो क्रीपर्स मेरे आजू बाजू काजू खाने के लिए बिल्कुल नहीं आते अब से। मुझे 50 दिन बर्बाद नहीं करने अभी मर के। तो पहले मेरा फार्म बहुत ज्यादा छोटा था, तो फाइनली मैंने नया फार्म बनाया, तो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर, पूरी तरह से नदी को ब्लॉक कर दिया अपने फार्म के साथ। नेदर से मैं वापस गया अपने विलेज के आप, और वहां पे एक्चुअली कैनियन है, तो हो जाए जंप। यस अभी मैं यहां पे मर जाता तो मेरी लग जाती पूरी तरह से। क्रीपर दादा और एक क्रीपर दादा, दोनों को मारेगा मैं, सबका बदला लेगा तुम लोग आईजीओ। अगले दिन छोटा सा अजीब सा वर्क स्टेशन मैंने बनाने की कोशिश तो की है, पर आई गेस नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड करेंगे। तुम लोगों को याद है मुझे ट्रेजर मैप मिला था, तो अभी मैं उसका हंटिंग शुरू कर रहा हूँ पूरी तरह से, तो जो कि बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब लोकेशन पे था, मतलब मुझे अंडर वाटर जाके एक वैक्यूम के अंदर घुसना था जहाँ पे मेरी स्वागत करने के लिए क्रीपर्स और स्केलेटन तो भरे पड़े हैं इस गेम के अंदर। पर फाइनली मुझे वहां से ट्रेजर मिला जो कि अच्छा है, क्योंकि मुझे मिला गोल्ड, बेबी आई लव गोल्ड, आई एम बब्बी लेडी का चाचा मैन। पर वहां से वापस आने के लिए मुझे पूरी तरह से एक दिन लगा। अगले 2-3 दिन तो मैं पूरी तरह से बेसमेंट बना रहा था अपने घर के नीचे, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाना है, क्योंकि हर बार मैं बेसमेंट बनाता हूँ हर बार सारी चीजें भसड़ जाती है और सारी चीजें भेलपुरी बना देता हूँ मैं, तो इस बार मुझे भेलपुरी नहीं बनाना। पर आई एम फुल 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 डायमंड हार्बर डोगो, लुक एट दिस मैन, फाइनली एनजीओ अमीर हो गया भाई। अभी मेरे कुत्ता देखो अभी मेरी आंखों में आंखें डाल के देख सकता है वो, क्योंकि अभी मैं रिच बन गया हूं इस गेम के अंदर।
फिर इसे ऑब्सिडियन माइनिंग किया मैंने, नए जो डायमंड मिले थे उसमें से फाइनली एंचेंटमेंट टेबल बनाया मैंने, और फाइनली चड्डी बनियान पतलून सारी चीजों को एंचेंटमेंट कर दिया, और जितने टूल्स में एंचेंटमेंट कर सकता हूँ उतने भी किए, बिकॉज आई एम डम डम रिच मैन मैन। अभी तुम लोगों को पता ही है मेरी खेती बहुत ही ज्यादा ऑसमली चल रही है, तो उसकी वजह से मेरे पास बहुत ही ज्यादा बुक्स है, तो सारे बुक्स को एंचेंटमेंट किया क्योंकि अपने बाप का माल है। नेदर के साथ जरा और ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने के बाद मुझे और एक नया विलेज मिला, सो उसके साथ भी नया हाईवे हम लोग बनाएंगे। बहुत मेहनत की चीज है ये हाईवेज बनाना, वो भी नेदर के अंदर जहाँ पे सब लोग तुम लोगों को मारना चाहते हैं, पर फिर भी सेकेंड विलेज के लिए भी मैंने नया हाईवे बना लिया है, तो अभी मेरे पास तीन हाईवेज है तीन नए नए विलेज के लिए फटाफट जाने के लिए। फाइनली मैंने अगले दिनों में जितना वुड में जमा कर सकता हूँ उतना मैंने जमा किया है, फिर वो नॉर्मल वर्ल्ड का वुड हो या फिर नेदर के अंदर वाला वुड हो, जितना वुड में जमा कर सकता हूँ उतना सब कुछ मैंने जमा किया है। उसके साथ ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे फाइनली अपने बेसमेंट को अब तक का सबसे अल्टीमेट बेसमेंट बनाना है, और उसके लिए जितने रिसोर्सेज मैं कलेक्ट कर सकता हूँ वो मैंने किए, सारे वुड्स के जितने मैं चेस्ट बना सकता हूँ उतने मैंने चेस्ट बनाए, उनको डिजाइनिंगली सब जगह पे प्लेस किया, उसके साथ सारी चीजें जो मैंने सब भेलपुरी बना के रखी थी वो सारी भेलपुरी वाली चीजें को ऑर्गेनाइज किया, हर एक चेस्ट के हिसाब से उन चेस्ट को पूरी तरह से नाम दिया, उनको इंडिकेशंस दिया। अगले दिन मैंने शिप फार्म बनाने का सोच लिया, तो अभी शिप फाइंड करना है मुझे, उसको किडनैप करना है और कैसे भी बहला फुसला के अपने घर तक लेके आना है। तो वो करते करते मुझे एक्चुअली एक नया ट्री जो मैंने एक्चुअली प्लांट किया था उस ट्री के ऊपर बीज ने अपना घर बना लिया है, सो दैट्स काइंड ऑफ सुपर कूल मैन, आई लव इट। मैंने बनाई हुई कुछ चीज का किसी को तो फायदा हुआ, पर मेन फोकस हुआ शिप की किडनैपिंग, तो चुपचाप उसकी किडनैपिंग की। अगले दिन मैंने शिप का फार्म बनाया जो होपफुली मुझे बहुत ज्यादा वूल देगा क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा बेड्स चाहिए। अगले दिन मैं अपने सारा का सारा गोल्ड लेके फाइनली नेदर के अंदर गया और सोचा कि चलो पिगलिंस के साथ थोड़ा सा बिजनेस मीटिंग करते हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें देंगे वो, ऐसे मैंने सोचा था क्योंकि उन्होंने दिया तो कुछ नहीं, और उसके बदले एक हरामी पिगलिन मुझे मारने लगा। इसका मतलब समझे तुम लोग, डाय। मैं चेन से धंधा भी नहीं कर सकता इस वर्ल्ड के अंदर। अब मैंने तय कर लिया था कि अभी रुकना तो बिल्कुल नहीं है, सो मैं फिर से माइनिंग करने के लिए गया, और माइनिंग करते करते फिर से एक बार डायमंड बॉय एंड डायमंड किंग। लालच बहुत ज्यादा ऊंचाइयां गाट रहा था, सो दैट्स व्हाई मैंने और ज्यादा माइनिंग करने की कोशिश की और मुझे एक्चुअली कैनियन मिला। अगले दो दिन तो मैं कंटिन्यूअसली उस केव के अंदर घुस रहा हूँ, जा रहा हूँ, पता नहीं क्या भूत सवार था मेरे ऊपर। इट्स लाइक ए 90 डेज ऑलमोस्ट, तो अगर मैं मर गया अभी तो गेम खलास मैन। ऑलमोस्ट डजन भर ज़ॉम्बीज को मारा है मैंने, डजन भर स्केलेटन्स को मारा है, और क्रीपर्स तो तुम लोगों को पता ही है वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इस गेम के अंदर। अगले दिन ना कि मुझे मॉब का स्पॉनर मिला, पर उसके साथ मुझे नए डायमंड्स भी मिले, बिकॉज why not man, diamonds किसको नहीं चाहिए इस game के अंदर। मुझे actually बहुत doubt है कि ये actually spawner है किस चीज का, क्योंकि यहाँ पे spiders है तो ये spider spawner है, पर spider spawner का मैं XP's के लिए use नहीं कर सकता, so please let me know कि मैं इस spider spawner का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। फाइनली मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई बेसमेंट, तो तुम लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा पापड़ बेले, इसके लिए खड्डा खोदो, उसको डिजाइन करो, फिर से तोड़ो, फिर से करो बहुत सारी चीजें, सो होपफुली तुम लोगों को पसंद आएगा ये बेसमेंट। डे 93, जैसे जैसे हम लोग 100 के सामने पहुंच रहे हैं मेरी नर्वसनेस इज टू मच, ऐसे तुम लोग को लग रहा होगा पर नहीं, मेरे अंग में बहुत ज्यादा खुजली है बिकॉज मैं नेदर के अंदर एक्सप्लोरेशन करने वाला हूँ, सो लेट्स गो। सो मैंने बहुत ज्यादा नेदर के अंदर एक्सप्लोरेशन किया, मुझे वो बैशियन बायोम मिला, वहां पे ऑलमोस्ट मौत के साथ पप्पी शप्पी ली। This is day 94 LZO, तू ये चीजें नहीं कर सकता, तुझे मरवानी है इस सीरीज को। Finally वहां से मरते मरते बचते हुए मैं वापस चला आया, This was bad run। उस दिन मैं पूरी तरह से सदमे में था तो मैंने आगे खेला ही नहीं गेम, पर उसके अगले दिन रियल लाइफ के मैंने फाइनली सीखा कि जावा के अंदर हम लोग टेक्सचर पैक कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब प्रोसेस है पर फाइनली मैंने सीख लिया, सो मेरा वर्ल्ड लुक्स सुपर डुपर ऑसम मैन, सीरियसली
ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। मुझे नहीं पता कि जावा एडिशन इतना ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। आपने इस खूबसूरत वर्ल्ड को मैंने डिसाइड किया और ज्यादा खूबसूरत कहते हैं, तो मैंने जितने लाइंटन्स में बना सकता हूँ, जितने आयंस मैंने माइनिंग करके कमाए वो सारे मैंने इन्वेस्ट किए लाइंटन्स के ऊपर, बिकॉज लाइंटन के स्टॉक्स अभी बढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा, तो फटाफट उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। और पूरा का पूरा वर्ल्ड मैंने चमका दिया है अपना। अगले दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे कुछ भी करके नेदर फोर्ट्रेस फाइंड आउट करना है, बिकॉज व्हाई नॉट, सब कुछ करना है अपने को। अगर मैं गलती से भी मरा तो 95 डेज वेस्ट होने वाले हैं मैन, 95 डेज बस, दैट्स इट मैन। और शायद मे बी यही मेरे नसीब में हो, बिकॉज पिगीज, आई हेट पिगीज, बिकॉज वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनाए हैं? नो नो, आर यू सीरियस? वन हार्ट नहीं, ऐसे नहीं एंड होना मुझे बिल्कुल भी। पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे, या फिर मैं भूल गया था कि ये हार्डकोर है, अगर मैं मर गया तो जिंदगी के लगने वाले हैं। पर स्टिल मैं फिर से वहां पे गया और वन हार्ट, सीरियसली ये वन भी नहीं है, ये हार्ट 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 आधा हो गया है वहां पे भी, सीरियसली। और मेरी नो, आर यू सीरियस? इतनी सारी चीजें झेलने के बाद भी एजियो एटिनरिप ने डिसाइड किया मैं उसी रास्ते जाऊंगा, बिकॉज आई एम डम 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 डम। और उसी रास्ते जाते हुए फिर से एक बार पिगी दादा वर्सेस एजियो एंड नो, सीरियसली आई आग 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 आग, मुझे चलना नहीं है अभी, नहीं मेरे ऊपर पानी, बिल्कुल पानी पानी, आई वॉन्ट पानी, आई वॉन्ट पानी। पता नहीं मैं कैसे जिंदा हूँ पर मैं जिंदा हूँ और आई एम हैप्पी, और उसका सेलिब्रेशन कर रहा हूँ मैं 97 डेज, ऐसे समझ लो, बिकॉज मुझे नहीं खेलना है, मुझे खेलना ही नहीं है बिल्कुल, बहुत हरामी इंसान है मैं। पर 97 के एंड में मैंने एक्सप्लोरेशन फिर से किया नेदर के अंदर, जितना मैं एक्सप्लोरेशन कर सकता हूँ उतना, और फाइनली नेदर फोर्ट्रेस। Yeah baby, yeah, 98 days, Nether Fortress। I know मैं यहाँ पे मर सकता हूँ, पर मैं एक सच्चाई बताने वाला हूँ तुम लोगों को, because इस जब से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ हर एक चीज मेरे घर से दूर है, मेरा विलेज बहुत ज्यादा दूर है, दूसरा विलेज उससे भी ज्यादा दूर है, सारी चीजें दूर है, तो हाईवे बनाना इज कंपलसरी, तो दैट्स व्हाई नेदर फोर्ट्रेस भी ऑब्वियसली दूरी था। और नेदर फोर्ट्रेस से जितना भी मैं हाईवे बना सकता हूँ खूबसूरत पिगीज की मार खाते खाते, उतना मैंने बनाया है। और दैट वॉज माई डे 99। साउंड सुपर डुपर कूल कि मैंने नेदर फोर्ट्रेस तक हाईवे बनाया है या फिर कुछ और, पर दैट वॉज सुपर रिस्की। अभी मैं जब मैं फिर से फुटेज देख रहा हूँ तब मुझे पता लग रहा है कि यस आई एम डम बॉय जो मैंने इतना सारा रिस्क लिया, पर आई गेस दैट वॉज वर्थ इट। रिकॉर्डिंग करना चालू कर दूंगा 200 डेज के लिए, नहीं तो इतना मेहनत नहीं, मैं 30-40 घंटे पूरी मेहनत है मेरी इस 20 मिनट के वीडियो के लिए। सो प्लीज मेक श्योर यू लाइक दैट वीडियो।